तो अभी हमारा कहीं घूमने का जाने का प्लान बन सकता है। तो नए साल के उपलक्ष्य में हम बना रहे हैं सेवैया। तो गाइस मैं तैयार हो चुका हूँ, तो अभी हम जा रहे हैं बाइक में। टाइम हो चुका है 12 बज गए। तो गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं सराय खेत में। तो अभी हम आए हैं एक मस्त लोकेशन पर, जहाँ पर की तो गाइस आप देख चुके कितनी भीड़ है यहाँ पर, बहुत ही ज्यादा। गाइस मेरा आईडिया है रिया रावत। रिया रावत है, रिया लोड आईडी भी नहीं है, फेक आईडी है, फेक आईडी। तो गाइस अभी हम आए हैं छोले खाने के लिए, मैं और रोहित छोले खा रहे हैं, बाकी सब तो खाना खा के हम आ चुके हैं ऊपर को। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे, तो मैं भी ठीक हूँ। तो आज के व्लॉगिंग कर रहा हूँ मैं सुबह के 7 बजे से स्टार्ट, तो लग चुका है नया साल। आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर मेरी तरफ से, और आपकी पूरी फैमिली को और मेरी यूट्यूब फैमिली को मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। तो सुबह के 7:05 हो चुके हैं, और आपको बाहर का सीन दिखाता हूँ। अभी तक सूरज नहीं आया है, ये देख सकते हैं आप, अभी थोड़ा लाल सा हो रखा है, बस आने वाला है कुछ देर में। तो अभी हमारा कहीं घूमने का जाने का प्लान बन सकता है, तो देखते हैं कहाँ जाते हैं हम, तो दिखा देंगे आपको व्लॉग में। बने रहे मेरे व्लॉग में, और सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को। शेयर ज़रूर करें, क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे कब से। तो गाइस सूर्य भी आ चुका है, और दिखाते हैं आपको, ये देख सकते हैं आप, लगभग पूरी तरीके से सूरज आ चुका है। तो चलते हैं अपने रसोई घर में, जहाँ की देखते हैं कौन बैठा है। यहाँ पर दादी बैठी है, और चिंकी को देखिए। चिंकी अलाय बाबू। तो दादी की तबीयत खराब चल रही है आजकल, नींद नहीं आ रही कह रही थी दादी, तो नींद की दवाई लेनी पड़ेगी लगता है ऐसा ही, क्योंकि उसका कोई जुगाड़ तो है नहीं, मतलब कि सलूशन तो है नहीं। तो गाइस चलते हैं अभी नहाने के लिए। तो मैंने गर्म पानी रखा है चूल्हे में। तो गाइस मैं भी जा रहा हूँ पानी लगाने के लिए खेतों में, क्योंकि आजकल बारिश भी नहीं हो रही और खेत सूख चुके हैं, तो थोड़ा पानी लगा लेते हैं। गदेरे से पानी आ रहा है, और पीछे मम्मी। तो चलते हैं, दिखाते हैं आपको बाद में। और अब मैं भी अपना फोन चार्ज पे लगा रहा हूँ, तो चार्ज नहीं है मेरा फोन, आज के लिए पूरा बैटरी फुल करना होगा। तो नए साल के उपलक्ष्य में हम बना रहे हैं सेवैया, तो जो कि अभी मम्मी बना रही है। तो गाइस मैंने अभी नहा भी लिया है, और अभी खाते हैं खाने के लिए। तो खाने में बना है हरी भुजी है, और पीछे है सेवैया, और ये रोटी, और आगे मम्मी रोटी बना रही है ऊपर, और मम्मी ने यहाँ पर भजन लगा रखे हैं बहुत सुंदर। तो गाइस अभी मैं चल पड़ा हूँ दुकान की ओर, और अभी मेरे साथ है रोहित, पीछे देख सकते हैं आप, हेलो गाइस, और ये रहा अभिषेक। तो चलते हैं दुकान की ओर साथ में। तो गाइस मैं तैयार हो चुका हूँ, तो अभी हम जा रहे हैं बाइक में, हम तीन जाएंगे बाइक में, अभिषेक, रोहित और मैं। तो चलते हैं कालिंगा की ओर, टाइम हो चुका है 12 बज गए। तो गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं गनियाल के रास्ते में, और यहाँ पर रोड की हालत इतनी बुरी है ना, कि इनकी हालत ख़राब हो चुकी है, और अभी सेक की। तो गाइस अभी हम पहुंचने वाले सराय के, ये वाले सही से बाइक का, गाइस हम पहुंचने वाले सराय के, यहाँ पर बात भी आ रही है, बहुत स्मूथ रोड है, और इसमें काफ़ी मजा आता है बाइक चलाने में।
गाइस हम पहुंच चुके हैं सरायखेत के बाजार में। तो ये हेलो गाइस, आज पार्टी करेंगे। तो गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं सरायखेत में और हमने लिए हैं नमकीन और कोक। अब चलते हैं आगे को, तो आगे बैठकर खाएंगे कहीं पर। हम आए हैं एक, तो अभी हम आए हैं एक मस्त लोकेशन पर, जहाँ पर कि ये सरकारी कुर्सी मतलब सोफे टाइप के बना रखे हैं, और यहाँ पर खुला सा आसमान है, मतलब खुली सी जगह है, इसलिए हमने यहाँ पर खाने का सोचा। जो हमने ला रखा था कोक ला रखे हैं सब अपने लिए, और ये नमकीन कुरकुरे 40 वाला। तो यहाँ के गांव काफ़ी खूबसूरत है और काफ़ी पुराने से यहाँ गांव बसे हैं, लखोरा घाटी के नाम से जाना जाता है इस इलाके को। दूर दूर तक है यहाँ गांव। तो गाइस ये देखो कितना बड़ा कुरकुरे का पैकेट लाया है, खा नहीं पा रहे। इतना 40 रुपए का ये, इतना सारा है इसमें। मैं तभी बोलूँ 40 का इतना सारा कैसे आ गया, ये कुरकुरे है नहीं एक्चुअली, ये दूसरी कंपनी का स्टिक्स का, इसलिए उसमें इतने सारे हैं, वो भी अच्छे नहीं रहे उतने। तो अब चलते हैं आगे के सफर में कालिंका को। तो हम पहुंच चुके हैं कालिंका को, गाड़ियों की भीड़ देख सकते हैं आप, बहुत ही ज्यादा संख्या में, बहुत बेकार रोड है गाइस। यार आप आप तो गाइस आगे देखो, बहुत ही गंदा हाल हो रहा है आगे। तो गाइस जस्ट अभी पहुंच चुके हैं कालिंका, तभी ऊपर जा रहे हैं, बहुत ही लंबा सफर थे करने। लिटरली गाइस यहाँ पर बहुत सारी भीड़ हो रखी है, ऊपर देखेगा तो आप बहुत ज्यादा है, गाड़ियाँ इतनी है, 100 से अधिक गाड़ियाँ यहाँ पर उपस्थित हैं अभी। तो गाइस यहाँ से 5 मिनट का रास्ता है ऊपर कालिंका मंदिर जाने के लिए, 2 किलोमीटर तो होगा, 5 मिनट में पहुंच जाते हैं। तो चलते हैं कालिंका की ओर, और लड़कियां भी आ रही थी हमारे गांव की, जो कि अपने बहन हैं, वो आगे चले गए हैं, वो किसी गाड़ी में आए थे बुलेरो में, तो आगे चले गए, उनका कॉल भी आया था। तो चलते हैं कालिंका, आपको मिलते हैं आप कालिंका के मंदिर में। तो गाइस आप देख चुके कितनी भीड़ है यहाँ पर, बहुत ही ज्यादा। तो गाइस आप रोड में देख सकते हैं बहुत भीड़ है गाड़ियों की, इधर भी उधर भी, 1 किलोमीटर के दायरे में पूरे गाड़ी गाड़ी भरे हैं। जो कि काफी ऊंची चोटी पर बना हुआ है, जिसे जिनगढ़ी के नाम से जाना जाता है, और यहाँ भी गए हुए हैं हम। यहाँ से मतलब पहाड़ों का व्यू बहुत सुंदर आता है, क्योंकि टॉप में है ना पहाड़, इसलिए, और हिमालय भी दिख रहा है थोड़ा बहुत।
गांव वाले मिल चुके हैं मुझे यहाँ पर। फाइनली गाइस हम मंदिर के दर्शन करके आ चुके हैं और ये थी रूम मेरे साथ और बाकी गांव के आगे चले गए। तो अभी यहां पर शूज पहन रहे हैं तो काफी बड़ा गेट बनाया गया है यहां पर। तो अभी हम पहुंचने वाले हैं मार्केट तक और यहाँ पर हम मजे करते आ रहे हैं, रील बनाते आ रहे हैं। तो काफ़ी रील बना ली हमने, आपको मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे मिल जाएगा जो कि सौरभ रावत 077 के नाम से है। और जिसे जिसे फॉलो करना है आईडी बताओ अपने। हम जा रहे हैं घर को और अभी मैंने चश्मे पहन लिए, आगे कम दिखाई दे रही है, रोड की हालत बहुत बुरी है, आंखों में धूल जा रहे हैं, बहुत दिक्कत आ रही है, खड़ा हो गया लग रहा मुझे और आंखों में धूल जा रही है। तब चश्मे करती फिर बैठ के रो बैठी। गाइस यहाँ पर कपड़ों के बुरे हाल हो चुके हैं, ये काले पैंट सफ़ेद हो चुके हैं, तो काफ़ी ख़राब रोड है और मिट्टी भी बहुत उठ रही है। तो अभी हम जगह एक जगह पे रुके हैं क्योंकि मुझे ठंड लग गई थी और मुझे पहननी थी जैकेट, तो जैकेट मेरा सुबह से रोहित ला रहा है, कभी कभी अभिषेक पकड़ रहा है। बोला गाना लगा हुआ देख। अभी हम आए हैं छोले खाने के लिए, मैं और रोहित छोले खा रहे हैं, बाकी सब चाउमीन खा रहे होते हैं। तो खाना खा के हम आ चुके हैं ऊपर को, ये अभिषेक, और काफी भीड़ है सरायखेत में और हमने गाड़ी आगे पार्क की है अपनी बाइक। तो फाइनली गाइज मैं कालिंका से घर आ चुका हूँ और आज काफ़ी मज़ा आया, साल का पहला दिन था तो मज़ा आया, तो पूरे साल भर देखते हैं कैसा रहता है। वो कहते हैं कि जैसा पहला दिन जाता है, मतलब साल का दिन का शुरुआत, मतलब साल का शुरुआत जैसा हो वो साल का आखिर तक चलता है, तो देखते हैं कैसा होता है। और आज काफ़ी मज़ा भी आया, तो रात के बज चुके हैं 7 और अब करते हैं वीडियो एडिट। तो आई होप कि आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करें और नए चैनल, मतलब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।